हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, गर्मियों में बच्चों को बहुत ही जल्दी थकान हो जाती है और जब वो स्कूल से या तो बाहर से खेल के आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। इसलिए गर्मियों में उनका विशेष ख्याल रखना होगा और उनके डाइट में कुछ सुपर फूड्स इंक्लूड करने होंगे जिसकी वजह से वह एक्टिव रह सके। फ्रेंड्स, गर्मियों में खीरा काफ़ी मिलता है और इसका स्वाद भी बच्चों को पसंद होता है। खीरा और ककड़ी को आप सलाद या ऐसे ही काटकर बच्चों को थोड़ा सा चाट मसाला डालकर दे सकते हैं। इससे उन्हें कब्ज़ की समस्या भी नहीं होती है और शरीर ठंडा रहता है। गर्मियों में वाटरमेलन भी काफ़ी मिलता है और यह रसीला और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें 95% पानी होता है जो शरीर को हाइड्रेट रखता है और यह बच्चों को काफ़ी पसंद भी होता है। आप यह इजीली उन्हें खिला सकते हैं। गर्मियों के दिनों में नारियल पानी भी बॉडी को हाइड्रेट और हेल्दी रखती है। इसमें पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट और बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसका स्वाद भी अच्छा होता है जिससे बच्चे इसे भी पसंद करते हैं। गर्मियों के दिनों में दही खाना काफ़ी गुणकारी है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। साथ ही इसमें कैल्शियम मिलता है जो हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और इसे खाने से शरीर ठंडा भी रहता है। गर्मी से बचने के लिए कच्चा प्याज भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन काफ़ी बच्चों को कच्चा प्याज पसंद नहीं होता। ऐसे में उन्हें प्याज का पराठा या फिर दाल या सब्जी में प्याज दे सकते हैं। गर्मियों में हो सके उतना जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा गर्मियों में और भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पसीने से बच्चों को खुजली की समस्या हो जाती है। इसके लिए उन्हें नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, उन्हें आरामदायक कपड़े पहनाएं और धूप में निकलने से पहले बॉडी कवर हो वैसे कॉटन क्लोथ्स पहनाएं। इस वक्त बच्चों के इम्यून सिस्टम का काफ़ी ख्याल रखना चाहिए और इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। कई बार ज़्यादा पसीने की वजह से बच्चों को रैशेज भी हो जाते हैं, इसलिए गर्मियों में कॉटन फैब्रिक बेस्ट होता है। बच्चों को डेली डाइट में फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने चाहिए और वेजिटेबल्स भी। साथ ही उन्हें टिफ़िन में भी ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जो जल्दी ख़राब ना हो। ये थे कुछ आसान से टिप्स जिनसे आप गर्मियों में अपने बच्चों की परेशानी कम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।